हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री जगन्नाथ सभी को। मैं हूं सौरभ और इस बार मैं आप लोगों को उड़ीसा राज्य की सबसे मशहूर जगह पुरी की डिटेल टूर गाइड लेकर आया हूं। इस संपूर्ण यात्रा में आप जानेंगे कि आप यहां कैसे पहुंचे, घूमने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कैसे करें, क्या क्या सावधानी रखनी है, यहाँ आने का समय क्या है, कहाँ रुके और सबसे महत्वपूर्ण आपके कितने खर्च होंगे। ऐसी तमाम जानकारी इस वीडियो में आगे मिलने वाली है, सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के दौरान ये भी जानेंगे कि किन कारणों से आपके जेब कट सकते हैं, किस विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड बजट ट्रिप हर हफ्ते आपके लिए आती रहेगी। बंगाल की खाड़ी में समुद्र के किनारे स्थित उड़ीसा राज्य में पुरी शहर भारत के चार पवित्र स्थानों में से एक है। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पवित्र नगरी है। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों जैसे नीलगिरी, नीलाद्री, पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र और जगन्नाथ धाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुरी घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से फरवरी तक की, क्योंकि इस टाइम यहाँ की मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। अब बात कर लेते हैं पुरी आने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आप यहाँ बाई फ्लाइट, ट्रेन या बस से आसानी से आ सकते हैं। बाई फ्लाइट आने की सोच रहे हैं तो पुरी का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर से पुरी की दूरी 60 किलोमीटर है। भुवनेश्वर से पुरी आप फिर टैक्सी या बस से आ जाइए। टैक्सी आपको 1200 से 1500 रुपये चार्ज करेगी और बस की किराया 80 से 100 रुपये लगते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो डायरेक्ट पुरी स्टेशन आ जाएं। भारत के सभी बड़े स्टेशन से आपको पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और बाई बस आप कोलकाता सिटी से आसानी से पुरी के लिए ऑर्डिनरी और वॉल्वो बस दोनों ही मिल जाएंगे, जिसका किराया 400 रुपये से 900 रुपये तक की रहती है। पुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले होटल लें। होटल की बात करें तो यहाँ हर गली चौराहे सभी जगह होटल मिल जाएगी, लेकिन हो सके तो आप पुरी की सबसे फेमस गोल्डन बीच के पास में ले सकते हैं। यहाँ से मंदिर की भी दूरी तकरीबन 800 मीटर है। गोल्डन बीच पर होटल्स आपको थोड़े महंगे मिल सकते हैं, करीब 2000 से 6 या 7 हजार तक में। इसके अलावा आप चाहे तो धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ एक दूध वाला धर्मशाला है जहाँ आपको 500 रुपये में रूम मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से होटल रिकमेंड करूँगा, वो ठीक मंदिर के पास में ही है जिसका नाम नीलाद्री भक्त निवास है, जो मुझे काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल लगी। इसकी किराया 600 रुपये से 1400 रुपये है। होटल्स की कॉन्टैक्ट और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप रथ यात्रा के दौरान आते हैं, जो कि जून के आखिरी और जुलाई के शुरू महीने में होती है, उस टाइम में आपको जहां भी होटल मिले आप बिल्कुल ले लें, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये था यहां स्टे करने के बारे में। अब बात करते हैं घूमने की। तो दिन की शुरुआत करिए समुद्र के लहरों के साथ। जी हाँ, सबसे पहले आप गोल्डन बीच पर नहाने जा सकते हैं। एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हर टूरिस्ट प्लेस पर आपके जेब कटने के लिए हर शॉपकीपर, होटल वाले खाने पीने से लेकर घूमने तक की पैसों की ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। हालांकि आप हर जगह पर बिल्कुल नेगोशिएट करना ना भूलें। तो जब आप बीच पर एंजॉय कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ करने को भी मिलेंगे, जैसे कि जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, बनाना राइड, कैमल राइड। सबकी अलग अलग चार्जेस लगते हैं। जेट स्कीइंग की 500 रुपये, पैरासेलिंग की 2000 रुपये, कैमल राइड की 100 रुपये। ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ का एंजॉय ले सकते हैं। आप आराम से 2 से 3 घंटे एंजॉय करिए। उसके बाद होटल में फ्रेश होकर आप श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के दर्शन करने जाइए। जब आप दर्शन करने के लिए निकले तो आप अपने साथ मोबाइल, पर्स, बैग, बेल्ट सब कुछ अपने होटल में छोड़ दें। वैसे आपको मंदिर के परिसर में सामान रखने के लिए काउंटर्स भी बने हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि होटल में छोड़ के जाएं।
क्योंकि कई बार धोखाधड़ी भी नए लोगों के साथ हो जाते हैं। फर्जी टोकन देकर आपका सामान रख लेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसे भी आप ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, लोगों की आस्था है कि आज भी भगवान कृष्ण का दिल मंदिर में स्थापित काठ से बनी मूर्ति में धड़कता है। मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। मंदिर का झंडा रोजाना शाम को बदला जाता है। भगवान जगन्नाथ के कपाट सुबह 5 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुले रहते हैं। इसके बाद शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। हैरान कर देने वाली कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई है, जैसे कि मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टे दिशा में लहराता है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर आज तक किसी भी पक्षी को उड़ते या बैठते हुए नहीं देखा गया है। मंदिर इतना विशाल होने के बावजूद सुबह, दोपहर और शाम के मंदिर की गुंबद की परिछाई जमीन पर नहीं बनती है। तो ये थी कुछ मंदिर से जुड़ी रोचक तथ्य। मंदिर दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। दर्शन करने के बाद आप होटल में कुछ देर आराम करें और फिर शाम में गोल्डन बीच पर सनसेट का नज़ारा देखने जरूर जाएं। साथ ही साथ बीच पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, जहां आप शॉपिंग करिए, बीच पर ढेर सारी मस्ती करिए, फोटो वगैरह क्लिक करिए और साथ में सी फूड का टेस्ट जरूर करिए। उसके बाद नाइट स्टे करें। अगले दिन पुरी के आसपास फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस को घूमने निकले हैं। दोस्तों, फर्स्ट डे तो आप बिना टैक्सी के आराम से घूम लिए, लेकिन आज जिस जिस जगह घूमने वाले हैं वो पुरी से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसके लिए आप टैक्सी, बाइक या ओडिशा की टूरिज्म बसेस भी चलती है, उससे आप घूम सकते हैं। देखिए, अगर आपकी 10 या 20 लोगों की ग्रुप है तो बस बेस्ट ऑप्शन रहेगी। बस आपको नॉन एसी की 200 रुपये और एसी की 400 रुपये चार्ज करेगी, वहीं टैक्सी आपको 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज करेगी। और कपल्स हैं तो बाइक भी हायर कर सकते हैं। यहाँ आपको जगह जगह पर टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी मिल जाएगी, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखा है। तो अब चलेंगे सबसे पहली डेस्टिनेशन, जो है धौलागिरी, जो पुरी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धौलागिरी के शिखर पर स्थित सफ़ेद गुंबद दूर से ही दिखाई पड़ता है। 1972 में इस स्तूप को जापानियों के सहयोग से बनाया गया था। स्तूप के गुंबद कमल के फूल की 5 पंखुड़ियों को रखा गया है। सीढ़ियों की शुरुआत में ही खंभों के दोनों ओर सिंहों की प्रतिमा बनाई गई है। पूरी इमारत के चारों ओर दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन और उस समय के परिवेश से जुड़ी कई कलाकृतियाँ हैं, जिसमें बुद्ध भगवान की अलग अलग मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। शांति स्तूप से नीचे का नज़ारा भुवनेश्वर का सबसे यादगार दृश्य आपका रहेगा। इसके बाद आप लिंगराज टेम्पल देखने जाएं। धौलागिरी से 10 किलोमीटर दूरी पर भुवनेश्वर में स्थित है। ये भी काफी विख्यात मंदिर है, यहाँ भी टूरिस्ट काफी मात्रा में आते हैं। मंदिर भगवान शिव को समर्पित करता है और अक्सर इसे भुवनेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके बाद आप उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं देखने जा सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन गुफाएं देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही गुफाएं आमने सामने हैं। उदयगिरी में बहुत सारे गुफाएं हैं, जिसमें एलिफेंट केव काफी प्रसिद्ध है। आप यहां पर आराम से 1 घंटे घूम सकते हैं। इसके बाद आप नंदनकानन जू देखने जाएं, जो यहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदनकानन जू की एंट्री टिकट 50 रुपये लगता है और इसमें आपको बहुत सारे जानवर जैसे कि शेर, बाघ, चीता देखने को मिलेगा। और जू के अंदर बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ है। यहाँ पर आप जंगल सफारी भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप सबसे फेमस प्लेस कोणार्क सन टेम्पल को देखने जाएं, जो नंदनकानन जू से 65 किलोमीटर समुद्र के किनारे स्थित है। दोस्तों, कोणार्क सन टेम्पल 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है।
यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। टेंपल के अंदर गार्डन भी बने हैं जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट प्राइस की बात करें तो आपको 40 रुपए प्रति व्यक्ति की है। ठीक इस टेंपल के अपोजिट साइड में म्यूजियम बने हुए हैं, उन्हें भी जरूर विजिट करें। साथ में कोणार्क टेंपल के परिसर में आपको दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। दोस्तों, सन टेंपल से 9 किलोमीटर बाद इको रिट्रीट है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली ये बीच है और एडवेंचर वाटर एक्टिविटीज के लिए फेमस है। यहाँ पर तमाम तरह के एक्टिविटीज करने को मिलेंगे जिसके अलग अलग प्राइस हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बीच थोड़ा लेस क्राउडेड और साफ देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप स्नैक्स कर सकते हैं और यहाँ आप आराम से 1 घंटे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी प्लेसेस एक दिन में आराम से कवर हो जाएंगे। हो सके तो सुबह आप जल्दी निकलिए जिससे आराम से इन सभी जगहों को अच्छी तरह से घूम सकें। सो आज की रात नाइट स्टे करें या फिर आपकी ट्रेन रात में है तो वापस जा सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन का और समय है तो आप चिल्का लेक घूमने जा सकते हैं जो पुरी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। बेसिकली यहाँ आपको बोट के थ्रू डॉल्फिन दिखाया जाता है, तो इस तरह से आप पुरी घूम सकते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ आप अपनी भोजन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बजट की, कि कितने पैसों में आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर 2 से 3 लोग घूमने आते हैं तो 2 दिन और 1 रात घूमते हैं, या फिर 3 दिन 2 रात की स्टे भी रखते हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 हज़ार रुपये पर पर्सन के बजट में आप घूम लेंगे। तो दोस्तों, इस यात्रा की मैंने सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड बजट ट्रिप हर हफ्ते आते रहेंगे।